मैं 9-10 साल का था और मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे दीवार फिल्म देखनी है। और जैसे माँ बाप होते हैं स्टडीज में कमजोर बच्चों के, तो उन्होंने कहा अगर 95% लेकर आओगे तो तुम दीवार फिल्म देख सकते हो। तो मैंने बहुत पढ़ाई की लगन से, 95 नहीं आए, तकरीबन 90 तक आ गए और उन्होंने मुझे दीवार फिल्म दिखाई। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बहुत अच्छी पढ़ाई किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आता रहा, थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी को ये नहीं मालूम कि मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया वो उनकी वजह से था। फिर बड़ा हुआ तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूँ। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मेरे माँ के लफ्ज और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से। बड़े बड़ों की जरूरत नहीं है कि इनके साथ काम कर सकें, इनसे मिल सकें, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ काम कर सका। मोहब्बतें में मालूम पड़ा कि जिस स्कूल में हम लेक्चरार हैं उस स्कूल के ये प्रिंसिपल साहब हैं। कभी खुशी कभी गम में मालूम पड़ा कि जिस मोहब्बत जिस प्यार के हम हीरो हैं उस हीरो के ये बाप हैं। और ऐसी हमाकत नहीं करूंगा किसी भी हीरो, किसी भी स्टार, किसी भी आर्टिस्ट को इनसे कंपेयर करने की, बट सच बात यह है कि जितने भी स्टार आए हैं, जितने भी स्टार हैं और जितने भी स्टार होंगे, वो आज भी श्री अमिताभ बच्चन के सामने चीनी कम है। सो ऑन बिहाफ ऑफ द होल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आई बाउ माय हेड इन ग्रेटफुलनेस एंड थैंक हिम फॉर अलाउइंग अस टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिस्ट्री बाय अलाउइंग अस टू बी अमिस्ट यू सर एंड ब्रीद द एयर दैट यू ब्रीद। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पद्म भूषण श्री अमिताभ बच्चन जी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन।